हिंदी सिनेमा के 60 और 70 के दशक के बारे में बात करें तो उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी नाजिमा। उस दौर के सिने प्रेमियों को आज भी इनका नाम अच्छी तरह से याद होगा। अपने छोटे से करियर में नाजिमा ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया था, लेकिन कम उम्र में वो एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई और फिर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आखिर कौन थी नाजिमा? 60 और 70 के दशक में नाजिमा की बॉलीवुड में क्या हैसियत थी? किस्सा टीवी की आज की पेशकश में नाजिमा की कहानी हम और आप जानेंगे। नाजिमा बेशक अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर भी इन्हें फिल्मों में हीरोइन के रोल्स नहीं मिलते थे। या तो नाजिमा फिल्म में हीरो की बहन बनती थी या फिर लीड एक्ट्रेस की सहेली। उस दौर के सिनेमा के जानकार कहते हैं कि नाजिमा को इस तरह के रोल्स इसलिए मिलते थे क्योंकि डायरेक्टर उन्हीं के ऊपर रेप सीन्स को शूट करते थे। नाजिमा के नाम पर यह रिकॉर्ड भी दर्ज है कि इनके ऊपर ही हिंदी फिल्मों के सबसे ज्यादा रेप सीन्स शूट किए गए हैं। इनका चेहरा इतना मासूम और खूबसूरत था कि उस दौर के डायरेक्टर ज्यादातर इन्हें हीरो की बहन के रोल के लिए अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इनका जन्म हुआ था सन 1948 में महाराष्ट्र के नासिक में। बचपन से ही इनका रुझान फिल्मों की तरफ ज्यादा था। फिल्मों में काम करने की शुरुआत भी इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने बेबी चांद और हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों में काम किया था और बचपन में ही इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में 60 और 70 के दशक को वो दौर माना जाता है जब घर और समाज में औरतों के सेक्सुअल हैरेसमेंट और सामाजिक उत्पीड़न को पर्दे पर खूब दिखाया जाता था। यही वजह है कि इस दौर में बनी अधिकतर फिल्मों में रेप सीन्स होते ही थे। औरतों पर हो रहे जुल्म और अन्याय को फिल्म जगत ने पर्दे पर बखूबी उतारा और जब भी किसी रेप सीन को शूट करने की बारी आती थी तो डायरेक्टर की पहली चॉइस नाजिमा ही होती थी। शायद इसीलिए नाजिमा के नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रेप सीन शूट करने का रिकॉर्ड दर्ज है। अपने फिल्मी करियर में नाजिमा ने अनजाना, निशान, तमन्ना, आरजू और दिल्लगी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इन सभी फिल्मों में नाजिमा ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और इन सभी फिल्मों में नाजिमा हीरो की बहन बनी थी। साल 1972 में रिलीज हुई मनोज कुमार की फिल्म बेईमान में नाजिमा ने इतना शानदार काम किया था कि उन्हें इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला था। एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर भी नाजिमा का फिल्मी करियर बेहद शानदार चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जांच की तो मालूम चला कि नाजिमा को कैंसर हो गया है। कैंसर से नाजिमा की जंग बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और आखिरकार महज 27 साल की उम्र में ही नाजिमा कैंसर से जिंदगी की जंग हार कर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। नाजिमा की आखिरी फिल्म थी लव एंड गॉड। ये फिल्म इनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। उस दौर में नाजिमा को सिल्वर स्क्रीन पर देख चुके लोग आज भी उनकी खूबसूरती और मासूमियत को याद कर भावुक हो उठते हैं।